3-1 बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है। और जब बधाई के पात्र है देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाजे बढ़तरी हासिल कर ली है, यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है। और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। He is playing it from that perspective. ताज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पॉवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आज इंडिया को देखो कहां से कहां चला गया, ठीक है ना, उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो, उनका ठीक है ना सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो, उनका मेडिकल सेक्टर देखो, उनका कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो ना नहीं तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। ठीक है तो कहते हैं कि मोदी है तो बीजेपी की शानदार जीत के बाद पाकिस्तान की हालत फिर से खराब हो चुकी है। पाकिस्तान मीडिया में फिर से रोना धोना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो तो पीएम मोदी को बहुत ज़्यादा प्रेज करती है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के आने के बाद जो भी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में उसको तो मतलब बता नहीं सकते शब्दों में, और मोदी के आने के बाद जो उनके फॉरेन रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जैसे आज मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इतनी सारी, उनके साथ मोदी जी के बहुत सारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो पाकिस्तान इसको देख के बहुत ही घबराया हुआ है। तो देखिए वीडियो में देखते हैं आगे क्या बोलते हैं ये। जबकि बात है लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकॉनमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो सारे, आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें वो they have done it, और उसमें सबसे बड़ी contribution उनकी education की है, इसमें regardless, मैं मोदी साहब की education की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं Indian diaspora की और Indian जो middle age है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन almost आज का election हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ, हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से आपने तालीम से बायकॉट किया, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी क्या सी ना असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो आपकी नजर में वो कैसे लीडर है? ही इज अ ग्रेट लीडर, मैं तो उनको इतना अच्छा एक लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफ जो भी हैं बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना, आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकायम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को आज वो देखिए, आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया, उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पीएम आते रहे हैं बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही, बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मर 2014 से वो स्टिल और 2023 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है, बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है, उन्होंने 3rd टेन्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए, पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ। लगता है कि 3rा टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं
वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं कि तीसरा टेन्योर भी उनका ही आना चाहिए? डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगा कि उनको ही आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया, इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इसने आप देख लेना कि आज के दौर में अभी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखे, उन्होंने डैम्स बनवाए 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर जहाज ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है, वो इस चीज़ पे, हर चीज़ पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम सबसे बड़ी चीज़, मैं ना गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ये जो मोदी सरकार है इनको सिर्फ इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। अब बिलीव करें, मेड इन इंडिया जो है कंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना, देखे ना, अब वो उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती, वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मुल्क में सुई भी, ईच एंड एवरीथिंग उनके मेडिकल टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी कंपनी जो अपने मुल्क में लेके आए, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ पैदा की है, और अपने मुल्क के लोगों को बाहर को जाने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में कि नहीं यहाँ पर नौकरी करो। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में आज तक 1947 से लेकर 2023 आ गया, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे जिसने 5 साल पूरे किए में, मैक्सिमम 3 years, 4 years, 4 years and within 1 month or 2 months या इसके बाद उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन आ जाते हैं, कोई ना कोई इल्ज़ाम आ जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, इसलिए तो हमारा मुल्क आज इन हालात में है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उन्हीं का होना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली सी मच। हर मुसलमान के, जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडल वे आपने ढूंढा ही नहीं, तालीम की तरफ जाए, अकल खुल जाती। एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। हूं तो जंग होंगी नहीं, ड्रोना नाल होनी, कंप्यूटर नाल होनी, उधर तवज्जो दियो यार, तुसीं किहड़े चक्करां च पै गए, तुसीं अजे कहिंदे हो असीं खोतियां ते जाके जिहाद करना, पता नहीं मेरे मक्की करन लगे हो यार तुसीं, और तुहानूं लोक बेवकूफ बना रहे ने, तुसीं बण रहे हो। मैं कई बार कह बैठा तुहानूं जिहाद दे रोज़ प्रचार करने वाले अपने बच्चे सारे लंदन ते टोरंटो ने, कोई अजा करो। और मौलाना तरुण कादरी भी कनेडियन जे खुदा